नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। फेस्टिवल्स के इस दौर में बड़े ही मज़े ले रहे होंगे आप, ठीक है। टाइम ड्यूशन बताए, दिवाली मतलब त्यौहार के पहले भी एक दिवाली ऐसा फेस्टिवल है कि उसके जस्ट पहले भी थोड़ी सी एक दो दिन पहले से ही घर जाना है, घर जाना है, उसके बाद भी वो दिवाली की रौनक सी आपके रगों में बहती रहती है। तो उसी फेस्टिवल्स का हम एंजॉय भी करें, उसको अपने घर वालों के साथ रहें, बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाएं, शुद्ध पकवान खाएं, ठीक है, बाहर की चीज़ों से बचें, घर पर ही बनाकर खाएं। तो उन सभी चीज़ों के साथ फिर हम आज उस में और थोड़ा तड़का लगाने के लिए हम टूरिज़्म वाले टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है, जिलों के हिसाब से टूरिज़्म बताया गया है। तो आज हम करौली पर पहुँच चुके हैं, यानी हम ABCDEFGHI ऐसे चल रहे थे और आज हम के यानी के बोले तो करौली पर पहुंच चुके हैं। करौली में आपको पता है बहुत ही बेहतरीन मंदिर है जिसे हम केला देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ते हैं, बेहतरीन चीज़ों का अनुभव करते हुए। करौली, करौली के बाहरी इलाकों के लगभग 25 किमी की दूरी पर केला देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो त्रिकूट पर्वत की घाटी में काली सील नदी के किनारे, दोस्तों काली सिंध नहीं, काली सिंध नदी के किनारे, तो गागरोन का किला झालावाड़ में है, काली सील की यहाँ पर बात चल रही है, काली सील नदी के किनारे पर बना हुआ है यह मंदिर। देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और सबसे बड़ी बात, इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि केला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। चैत्र में भी मैं तिथि बता दूं, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ एक विशाल लक्खी मेला भरता है। लक्खी मेले का मतलब वो लक्की नहीं, लक्खी मेला। लक्खी मेले का मतलब यह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है जिसे लोग लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया गीत के साथ ही लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, यह भी केला देवी के रूप में आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चले, श्री महावीर जी का मंदिर 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प संरचना है जिसमें महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहां पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, तिथि याद रखना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उसे वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, यानी कि मार्च और अप्रैल में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। इसमें कितने हजारों जैन श्रद्धालु जिसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर वैसे दौसा जिले में है पर पुस्तिका के हिसाब से इसे करौली में दिखाया गया है। तो दोस्तों एग्जाम्स के दृष्टिकोण से चीजें पलट सकती हैं कि करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यताएं हैं। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है पर पुस्तिका के हिसाब से हमें क्या है, करौली में है। आप दौसा याद रखिएगा, एग्जाम्स में मान लो अगर पेपर बनाने वाले ने कक्षा 10 की किताब को फोकस किया पूरा कि मैं तो भैया इसके अलावा कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो भैया करौली ऑप्शन में होगा जरूर, ठीक है, पर दौसा इज ए करेक्ट आंसर। आगे बात करें कोटा, मेरे लाडलो कोटा में कोटा बैराज और मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य है। कोटा बैराज है और कोटा बैराज के साथ ही मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य भी कहां पर है, कोटा में है। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर बना है और एक वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाहयुक्त जलधारा की मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। और तो यहाँ क्या बात है, बैराज के पास भगवान शिव का कसुआ एक दर्शनीय मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। कसुआ शिव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कसुआ शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है, याद रखिएगा। तो बैराज के पास भगवान शिव का कसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है जहां एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है, इसकी भी आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें मुकुंदरा बाघ अभ्यारण की, कोटा से लगभग 50 किमी की दूरी पर रावतभाटा मार्ग पर सेलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक, कोटा से 50 किमी झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलझर तक इस बाघ अभ्यारण्य का दृश्यावलोकन किया जाता है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य,
हाँ साथियों, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत खूब शानदार, सभी को ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं, क्योंकि हम पर्यटन पढ़ रहे हैं, फ्री में घुमा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यह अभ्यारण्य एक सघन वन क्षेत्र है, यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तथा काफी संख्या में देसी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। कहाँ? यहाँ पर इन चीजों को देखा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जग मंदिर, कोटा महाराव दुर्जनसाल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी, कोटा के महाराजा दुर्जनसाल जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस मंदिर का जग मंदिर महल, दोस्तों जग मंदिर उदयपुर नहीं, उदयपुर में, कोटा में भी है, ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया। किशोर सागर कोटा शहर में स्थित है, यहां पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, गेट्स, जेट स्की तथा बच्चों के लिए क्या है भैया, आगे बढ़ो 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 चलो, तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जोर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहां पर सायंकाल को लेजर फिल्म साउंड, जो जयपुर के लेने वाले हैं वो तो देखते होंगे, जवाहर सर्किल में भी ये चलता है कि पानी की उन धारों पर ऐसे चित्र से बनते हैं, तो लेजर फाउंटेन, लेजर फिल्म एवं साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक शामिल है, जहां पर लेजर फिल्म शो भी चलाया जाता है। अभेड़ा महल, अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया। यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किमी की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी दीर्घे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव व पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासन काल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अबेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को, या मगरमच्छ पालने का भी अपने आप में एक अनूठा शौक है, तो मगरमच्छ पाला जाता था, ठीक है। चलिए, कोटा की हम यात्रा कर चुके हैं, कोटा में हमने अबेड़ा मेल देखा, कोटा बैराज देखा, कोटा बैराज के वहाँ कसुआ मंदिर याद रखिएगा, जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। कोटा में ही ये हैंगिंग ब्रिज भी याद रखिएगा, हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ पुल जो चंबल नदी पर बना है। किस पर बना है दोस्तों? जो चंबल नदी पर बना है, झूलता हुआ ब्रिज किस पर बना है? जो चंबल नदी पर बना है, ठीक है। हाँ, चंबल नदी पर बना झूलता हुआ पुल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नागौर की धरा, नागौर शेखावटी में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नागौर, नागौर में स्थान है लाडनू, काहे के लिए फेमस है? चलिए, और बड़े पीर साहब की दरगाह, दोनों को पढ़ते हैं एक बार। लाडनू, लाडनू कहां पर है दोस्तों? नागौर में। लाडनू में बनी साड़ियां, साड़ियां प्रसिद्ध है भाई, भारत में कॉटन की साड़ियों में 2-3 किस्म की मानी जाती है। भारत में जो कॉटन यानी कि कॉटन की जो साड़ियां होती हैं, उनमें लाडनू नागौर की साड़ियां बड़ी फेमस हैं। हम लाडनू में हैं अभी, मुस्कुराइए आप, लाडनू में 2-3 किस्म की मानी जाती है। इसमें चटक यानी चटकीले रंग, मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी लाडनू है, और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र, देखो अहिंसा अहिंसा सॉरी और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र भी किसे माना जाता है? लाडनू को ही माना जाता है। लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था, इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आचार्य श्री तुलसी कहां के थे? लाडनू के ही थे, याद रखिएगा। लाडनू कहां पर है? नागौर में है, और इनका संबंध भी लाडनू से ही है। जी हाँ मेरे खापटों, मेरे दोस्तों, मेरे चांद के टुकड़ों टुकड़ियों, चीजों को याद रखिएगा मैनेज अच्छे तरीके से, क्लियर है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं बड़े पीर साहब की दरगाह, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखते हैं। बड़े पीर साहब की दरगाह भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को
एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था, एक संग्रहालय म्यूजियम बड़े पीर की दरगाह कहां पर, ठीक है, नागौर में। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहां पर रखा गया कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ यहां का मुख्य आकर्षण है बड़े पीर साहब की दरगाह का, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। किसने ने? हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी। इसके साथ ही उनकी छड़ी पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देख सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। राजस्थान में ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ पर अब्राहम लिंकन की छवि के सिक्के भी आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, यह भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर में एक जगह झोरड़ा, वेरी गुड, यहां पर एक लोक देवता का मंदिर है बाबा हरिराम जी, झोरड़ा नागौर, झोरड़ा नागौर। नागौर तहसील में स्थित झोरड़ा एक छोटा सा गांव है। यहां पर सूफी संत बाबा हरिराम की जन्म स्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। सूफी संत थे बाबा हरिराम। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर झोरड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। भैया देखो आप यहां पर विशेष तौर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहां आते हैं। गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। तो देखो ऋषि पंचमी भी मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी, तो चतुर्थी और पंचमी को यह मेला भरता है। इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय तथा दर्शन करने योग्य वस्तुएं रखी हुई है झोरड़ा नागौर में। लाडनू याद रखिएगा, बड़े पीर बाबा की दरगाह याद रखिएगा, उसके साथ झोरड़ा नागौर याद रखिएगा। ये तीन पर्यटन स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, मैसूर हैं कहीं के लिए, राजस्थान में नागौर जिले के पर्यटन के रूप में। चलिए आगे पाली, पाली की बात करें तो पाली में रणकपुर के जैन मंदिर। किसके जैन मंदिर दोस्तों? पाली में रणकपुर का जैन मंदिर। देखिए आप पाली में रणकपुर का जैन मंदिर। चलिए रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? रणकपुर जैन मंदिर है आपके पाली में। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकते और तराशे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ को। आदिनाथ जो है वो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, और आदिनाथ जी को हम ऋषभ देव जी के नाम से भी जानते हैं। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि अनेक मंदिरों का परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर। ये लाइन याद रखिएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके बारे में कहा गया है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर? यह कथन किसके लिए कहा गया है यह आपको याद रखना है। तो रणकपुर जैन मंदिरों के लिए यह बात कही गई है। किसके लिए? रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए यह बात कही गई है, यह आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जवाई बांध, पाली में क्या? जवाई बांध। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। यह वही उम्मेद सिंह है जिन्होंने उदयपुर में अकाल राहत कार्यों के दौरान उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। छीतर पत्थरों से निर्मित होने के कारण उसे छीतर महल कहा गया। वह वर्तमान में 3 भागों में है। सबसे बड़ा विलासिता का महल है। एक भाग में राज परिवार का निवास स्थान है, बीच वाले भाग में घड़ियों का संग्रहालय है उम्मेद भवन पैलेस में, और एक तरफ होटल संचालित है।
यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। देखो कितनी अच्छी नॉलेज है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने बनवाया, और किस पर? लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई, जवाई ये जवाई शब्द है। राजस्थान में जो होता है ना विवाह किया जाता है उसे भी, जो नया दूल्हा होता है उसे भी जवाई के रूप में याद किया जाता है, नए जवाई के, तो उसको भी जवाई कहा जाता है। जोधपुर शहर और आसपास के गांवों के लिए पानी का एक प्राकृतिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुओं और मगरमच्छों के लिए स्वर्ग है। क्या है? मगरमच्छ तेंदुओं के लिए क्या है दोस्तों? स्वर्ग है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं उसके बाद बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में देशनोक करणी माता, चूहों वाली देवी, काबा वाली देवी, चूहों वाली देवी, काबा वाली देवी, जिसके मंदिर में चूहे रहते हैं। अधिकांश चूहे होने के बावजूद भी वहां पर कभी प्लेग नामक बीमारी नहीं फैली है, ऐसा मंदिर जिसे हम देशनोक करणी माता मंदिर। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला मंदिर बीकानेर से 30 किमी की दूरी पर देशनोक गाँव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है। मैंने कहा था ना ऐसे शब्द आपको एग्जाम में हूबहू दे सकते हैं, चूहों का मंदिर। तो टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो करणी माता के मंदिर को टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि करणी माता का विवाह हुआ, करणी माता ने आध्यात्मिक होने के कारण छोड़ दिया विवाह और अपनी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया, उनसे लाखा लाखन नामक यानी लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई, वह कोलाई झील में डूबकर मर गया। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की, ठीक है, यमराज ने मना कर दिया, फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। ठीक है, विवाद हुआ, हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है और दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो करणी माता का मंदिर देशनोक में है। यहाँ पर करणी माता के मंदिर पर, ठीक है, इन्हें चारण समुदाय से ज्यादा संबंधित है, चारण समुदाय के लोग इन्हें ज्यादा मानते हैं। और याद रखिएगा, करणी माता ने, मैंने मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ाया, करणी माता ने उसकी क्या रखी? दुर्गी नींव रखी थी और करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर बसाया था। राव बीका ने बीकानेर बसाया। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार भी कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार भी आपके बीकानेर में ही है। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ पर संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी के फरमान, निशान और हस्त लिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इस अभिलेखाकार में संरक्षित व सुरक्षित रखे हुए हैं राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखाकार अत्यंत असाधारणता महत्वपूर्ण है। केवल आपको ये याद रखना है राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आपके बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला, जमीन का जेवर कहते हैं भाई इसे। इसके प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा इसे बनाया गया। किला पर्यटकों के लिए आकर्षण है का केंद्र है। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाता है। तो कौन सा किला? जूनागढ़ का किला, जो अपनी एक विशेषता के लिए फेमस है। जमीन पर स्थित होने के कारण ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है, इस कारण इसको जमीन का जेवर कहते हैं। यहाँ पर गंगा सिंह का विमान है, पहली बार यहाँ पर लिफ्ट लगी, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी सारे देखने वाले पर्यटन स्थल हैं, तो वो हमने दुर्गों के रूप में इन्हें पढ़ लिया है।
तो जूनागढ़ भी कहां पर है? बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई। अब मुझे आप बताइए, पिछली क्लासों में हमने चर्चा करी थी कि सर स्विंटन जैकब ने, अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार भी कौन है? सर स्विंटन जैकब है। और यहां पर लालगढ़ पैलेस का वास्तुकार भी कौन है? सर स्विंटन जैकब है। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपुताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इस मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। वेरी गुड। ऐसी कोई भी इमारत जिसको बने हुए 75 साल हो गए हैं वो सुरक्षित हैं, तो उन्हें हेरिटेज में बदल दिया गया है। 75 साल उनका जीवन तय होना चाहिए। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इस पैलेस के एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम भी है। यह भी याद रखिएगा कि शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित है? शार्दुल सिंह शासक थे। शार्दुल म्यूजियम स्थापित है दोस्तों आपके लालगढ़ पैलेस में। उसके बाद एक तीर्थ स्थान कपिल मुनि से संबंधित, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कोलायत, हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आते हैं। कोलायत पवित्र झील है। कोलायत क्या है दोस्तों? एक पवित्र झील है दोस्तों कोलायत, जो बीकानेर से करीब 50 किमी की दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग, कपिल मुनि प्रवर्तक थे भाई सांख्य योग के, सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यही तपस्या करने लगे। यहाँ उनका स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। उत्तर से पश्चिम की यात्रा को यहीं पर रोक दिया। उसके बाद कतरिया सर, जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरिया सर में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य, कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ यहीं पर है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिकारा, मोर, तीतर, बटेर, चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किमी की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। आपको पता होना चाहिए कि महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के शासक थे, वो भी इधर जसनाथ जी से संबंधित हैं। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ट यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र, एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र है, जहां ऊंटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। बीकानेर से 8 किमी दूर यह 2000 एकड़ में अधिक भूमि पर बना है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भाई राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो भारत संचार द्वारा ही क्या किया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा और इसका संचालन किया जाता है। वेरी गुड। आगे देखिए, राजसम्बंद, कुंभलगढ़ का किला। राजसम्बंद में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम कुंभलगढ़ का किला देखेंगे राजसम्बंद में। मेवा इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर आप हमारे साथ थ्योरी क्लासेस में बेहतरीन तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप महाराणा बैच 4 राजस्थान सीटी 2022 में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी विषय विशेषज्ञ अपनी थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सुसज्जित तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आपको उसके लिए PDF भी मिल रही हैं। बैच वैसे हमारा 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। कितने अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है? 6 अक्टूबर से हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है।
ठीक है दोस्तों, आपको कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं और यहां से आप अपने कोर्स से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम आपको 300 प्लस घंटे का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहे हैं, डाउट सेशंस भी हम आपको यहां पर दे रहे हैं, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एग्जाम तक आपको यहां पर मिलने वाली है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहां मिलने वाले हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको यहां मिलने वाली है और वीकली गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेगा। क्या टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बात आती है कि हम कोर्स तक कैसे पहुंचे, तो क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप राजस्थान एग्जाम्स पर जाइए, राजस्थान एग्जाम से आप सीईटी वाले पोर्शन में चले जाइए, सीईटी में, सीईटी के बाद आप महाराणा बैच फॉर राजस्थान सीईटी पर जाइए और यहां से आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं कितने रुपए में, 1999 में, और अपने सपनों की जो उड़ान है जिसमें आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, हम तो सिलेक्शन लेंगे और उस सिलेक्शन में हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही आप इसे परचेज कर लीजिए और अपनी जो समय है अमूल्य समय उसे भुना लीजिए। क्या है उस अमूल्य समय को आपको यहाँ पर भुना लेना है, ठीक है। अगर आप अन्य अलग अलग कोर्सों की तैयारी करना चाहते हैं तो केवल अगर आप हिंदी के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, गुरुजी मैं तो केवल हिंदी ही पढ़ना चाहता हूं, तो आप गुरु दक्षिणा बैच से जुड़ सकते हैं, वैसे ही क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर गुरु दक्षिणा बैच गणेश सर का। साइकोलॉजी केवल आप विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो विवेकानंद बैच से जुड़िए, जिसमें आपको संजय शर्मा सर बेहतरीन और शानदार बायलिंगुअल तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। नगर पालिका बैच की बात करना चाहते हैं जिसमें आप पूरा नगर पालिका पढ़ें या केवल नगर पालिका एक्ट बैच पढ़ना चाहते हैं तो नगर पालिका बैच फॉर EORO एग्जाम्स पर जाइए, पूरे बैच की फीस 1999 है और अगर आप पार्ट बी केवल पार्ट बी पढ़ना चाहते हैं तो 999 में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। चलिए कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ के सशक्त सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली, उदयपुर से उत्तर की तरफ 84 किमी की दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। पन्नादाई उन्हें लेकर कहां आ गई, पन्नादाई उन्हें लेकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में आ गई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत तथा इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और 36 किलोमीटर का क्या है दोस्तों, इसका कंप्लीट परकोटा है और यह पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है जिसका एक विशाल परकोटा हो और इसके परकोटे को भारत की महान दीवार, कहा जाता है। इसके परकोटे को क्या कहा जाता है, इसके परकोटे को भारत की महान दीवार कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। देखो कितना बेहतरीन है, कुंभलगढ़ के किले का निर्माण संप्रति मौर्य, उसके बाद उसको पुनः निर्माण करवाया राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरु के नाम से, और फिर इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, 19वीं सदी में इसका नवीनीकरण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। ये वही फतेह सिंह है, केसरी सिंह बारैठ दिल्ली दरबार में जा रहे हैं, चेतावनी राज चुंगटिया, ठीक है, वही फतेह सिंह है ये, ठीक है दोस्तों। राजसंबंद में हमें और क्या देखने को मिलेगा, राजसमंद झील, विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया। समुद्री विमान जो वहां पर उतर जाता है और वहीं पर समुद्र पानी से ही उड़ान ले लेता है, तो इंपीरियल एयरवेज, इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में किया गया। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए
और इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट तथा जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। बहुत बड़ी झील है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि इस झील में भीषणता व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती है। वेरी गुड। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह एक विशाल घाटी को सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान बन गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपीरियल एयरवेज किसको कहा जाता है? राजसमंद झील, इंपीरियल एवरेज, इंपीरियल एयरवेज, एवरेज नहीं एयरवेज, इंपीरियल एयरवेज के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान राजसमंद में है दोस्तों, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। हल्दी घाटी, वो लड़े घणो वो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, जरा याद करो, हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर जावे, वही हल्दी घाटी। मेवाड़ के माणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के हरे रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 1576 में हुए युद्ध में माणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी के पास बलीचा में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि है। किसकी समाधि है? चेतक की समाधि है। बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों, तो बिल्कुल टूरिज्म वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा चल रहा है। हम डेली इसे पढ़ रहे हैं और बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों के साथ हम इसे जोड़ रहे हैं। इन अच्छे मौके पर एक बहुत अच्छा टॉपिक पर हम पहुंचे थे, टूरिज्म पर, लेसन नंबर 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फटाफट इसका नोटिफिकेशन अपने सभी साथियों को भेज दें, क्योंकि बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।